अपने आप में बेहतरी लाना, ये हम सब सोचते भी हैं कि जैसे भी हालात चल रहे हों उन हालात में कुछ ऐसा काम करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो। ये ख्वाहिश भी हम सबकी होती है कि हम और बेहतर तरीके से काम कर सकें, लेकिन हर काम की तरह ये भी जो एक एलिमेंट है ना कि हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको प्रोसेस करें, और उस प्रोसेस करने के साथ साथ हम आगे बढ़ने की एक जस्तजू के साथ कोई ऐसा एलिमेंट अंदर पैदा करें कि हम आगे बढ़ पाएं। काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, होपलेस हैं, जी हम नहीं कर सकते, पता नहीं क्या होगा। और कुछ लोगों को ये लगता है कि वो क्या बोलते उसको इसको वो जो जिसको सब पता होता है अक्लिकुल है, समझने की कोशिश समझते हैं अपने आप को, ज़रा समझते हैं अपने आप को, जाहिर सी बात है उसमें इम्प्रूवमेंट की। कुछ लोग जब हर किसी को कहे जी हमें सब पता है, जब हम आपको सब पता है तो जाहिर सी बात है आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप अपने आप को करेक्ट कैसे करेंगे। एब्सोल्युटली, तो ये हमेशा सोचें कि नहीं, देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। एट द सेम टाइम बहुत से लोग, सबीन हम ये देख रहे हैं, कामयाब लोग जिनके बारे में यही मालूम होता है, अच्छा उन्होंने फ्यूचर को थोड़ा सा एनालाइज किया था कि अच्छा उस वक्त क्या होगा, तो उस लिहाज से उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, तो उस प्लान को फिर वो एग्जीक्यूट करते चले गए थे। तो हम फिर सोचते हैं यार हम क्यों नहीं कर सकते, हमने ये क्यों नहीं किया, हम क्यों पीछे रह गए, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सके, उसमें उनमें फ़र्क क्या है, मैं क्यों नहीं वो कर सका। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, जिंदगी में पीछे रह जाना, अगर आपको लगता है पीछे रह गए हैं आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तरक्की का सफर शुरू कैसे कर सकते हैं, या अपने जारी सफर में तेजी कैसे ला सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। लाइफ कोच रेहान अल्लावाला आज हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान अल्लावाला साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। रेहान साहब, हर इंसान अपने आप में बेहतरी लाना चाहता है, लेकिन ये जो बुनियादी सवाल आज हमारा है कि बेहतरी का ये सफर शुरू कैसे किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरी का सफ़र दुआ और दवा से करें, नियत करें कि मैं बेहतर होना चाहता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हमारे इंसान मुसलमान का जो दिन है पिछला गुजरेगा उससे आज का दिन बेहतर होना चाहिए, और आने वाला दिन आज से बेहतर होना चाहिए। तो वो बेहतरी की जो डेफिनेशन है वो आपने ख़ुद ही डिसाइड करना है कि आप फाइनेंशियल बेहतरी चाहते हैं, अक़ल की बेहतरी चाहते हैं, मुस्कुराहट की बेहतरी चाहते हैं, सेहत की बेहतरी चाहते हैं, जो भी बेहतरी चाहते हैं उसके लिए एक कदम उठाना रोज शुरू कर दें। अच्छा, तो एक कदम ज़ाहिर है वो उठाना शुरू करें और उसके बाद ज़ाहिर है बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग काफ़ी लोग बल्कि हम ये देख रहे होते हैं कि वो इरादा ये कर लेते हैं कि उन्होंने खुद को बदलना है, खुद को बेहतर करना है, लेकिन प्रैक्टिकली वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते। अब इस आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए? एक बहुत अच्छी किताब है, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसमें उसने बताया कि आदत जो हैं वो बाग की तरह होती हैं। अगर आप बहुत सारे पौधे निकालना चाहते हैं, नई आदत निकालना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे काम प्लांट कर दीजिए, ऐसे काम जो कि 10 सेकंड में हो जाएं, 5 सेकंड में हो जाएं। मिसाल के तौर पे आप जिम जाना चाहते हैं तो आप सिंपली जिम जाकर बैठिए, 2 मिनट और वापस आ जाइए। ये इतनी छोटी आदत है कि अगर आपके जो बाकी मसाइल हैं जिम जाने के, वो बाद में शुरू होंगे। स्विमिंग से डर लगता था मुझको, तो मैंने स्विमिंग पूल में जाकर बैठना शुरू कर दिया, 2 फुट पाँव पानी में डालना शुरू कर दिए और मैं स्विमिंग कर लेता हूँ। हर बड़ा काम एक कदम से शुरू होता है, तो वो पहला कदम ले लीजिए और वही जो एक कदम है बार बार लेते रहिए। मिसाल के तौर पे एक और किताब इसी तरह की, उसका नाम है टाइनी हैबिट्स, उसकी वेबसाइट है tinyhabits.org, वहाँ पर भी जाकर वो यही कहता है कि सुबह उठ के सिर्फ ये बोल दीजिए आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, तो एक नई आदत आपके जिस्म को हो जाएगी। और इसके लिए रेहान साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर अपने आप में बेहतरी लाने के लिए कोई रूटीन है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे, अच्छा ये रूटीन इख्तियार करें? रोज़ाना की बुनियाद पर एक कोई नई आदत डालना शुरू कर दीजिए, जो कि आदत 10 सेकंड की हो सकती है, आधा मिनट की हो सकती है। मिसाल के तौर पर बाथरूम से जब भी वापस आए एक आदत पुशअप कर लिया कीजिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, एक पुशअप बहुत मामूली चीज़ें होती हैं, लेकिन वही एक पुशअप 100 पुशअप में कन्वर्ट हो जाएंगी 1 साल 2 साल 3 साल में। जब जिस तरह से छोटे बच्चे होते हैं उन्हें घुट्टी में डाल दिया जाता है, आदतें डाल दी जाती हैं, तो एक बहुत पुराना कौल है अरस्तु का कि पहले इंसान अपनी आदतें बनाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी पूरी आपकी पर्सनैलिटी को डिवेलप कर रही होती हैं एक तरह से। अच्छा रेहान साहब, अब जाहिर है हर कोई, हालात जो चल रहे हैं मुल्क के भी और वैसे भी, हर कोई तरक्की के ख्वाहिशमंद है। यंगस्टर्स हमारे चाहते हैं कि हम फौरन से ना जिंदगी में तरक्की की तरफ चले जाएं, उन लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? 24 में हैं हम आजकल, 2024 में, जो एक बहुत ज़रूरी मशवरा है कि हर काम से पहले, हर बात से पहले ChatGPT से जाके सवाल ज़रूर कर लिया करें कि जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं सही। और रेहान साहब, चूँकि ज़ाहिर है आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं और बहुत से
एंटरप्रेन्योर्स को आपने सक्सेस में जाते देखा भी है, बहुत लोगों को गाइड भी आपने किया है, और चूंकि इंटरनेट का दौर है और हम यही राय भी रखते हैं और सब इस पर बात भी करते हैं, एडवोकेट भी करते हैं कि इंटरनेट का अगर मस्बत इस्तेमाल किया जाए तो ज़रा हम एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाबी हासिल करने का कुलिया क्या है, यानी बुनियादी चीज़ें क्या दरकार हैं? इरादा कर लें, इंटरनेट के लिए मोबाइल ख़रीद लें और इंटरनेट चलाना शुरू कर दें। एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग को कहते हैं। जो भी आपके पास रिसोर्स हैं उन्हीं रिसोर्स को इस्तेमाल करके कारोबार कोई भी शुरू कर दीजिए। मैं स्कूल में पेंसिल बेचा करता था, आप भी कहीं से शुरू कर लीजिए, कहीं ना कहीं तो पहुँच। अच्छा राम साहब, जाहिर है हर इंसान की एक जर्नी होती है और इस तरह से जिस तरह आज आप बात कर रहे हैं और आपसे हम सारे सीख रहे हैं, इस तरह से आपकी भी एक जर्नी रही है। जिस तरह आप बताते हैं कि 8 साल की उम्र में आपने कैंडीज बेचना शुरू कर दी थी, 10 साल की उम्र में आपने जो आपके क्लास फेलोज होते थे तो उनको स्टेशनरी बेचना शुरू कर दी थी, 13 साल की उम्र की बात की जाए तो आपने अपनी पहली कंपनी खोल ली थी, और आज जाहिर है दुनिया में आपका एक नाम है, लोग आपको पहचानते हैं, जानी मानी शख्सियत आप बन चुके हैं। चैलेंजेस तो आपको भी आए होंगे, क्या चैलेंजेस थे जो कि आपने फेस किए? ये इस वजह से कि आप ये चीज़ बताएंगे तो ऑब्वियसली उससे जितने भी लोग इस वक्त हैं अगर वो चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। क्या एक चैलेंज गाइडेंस भी था? किसी ने गाइड नहीं किया था शुरू में कि ये सफ़र कर लो और कैसा सफ़र होगा। आज यूट्यूब नहीं था, AI नहीं था, तो गाइड करने वाले लोग नहीं थे, जिससे पूछो वो रास्ता गलत बता देता था। तो ये मुश्किलात उस ज़माने में आई थी, अब तो बहुत आसान ज़माना है। हम सबको अपने मिशन सेट करने चाहिए, गोल सेट करना चाहिए ज़िंदगी का और उसके ऊपर रोज़ एक कदम चलना। अच्छा, और रेहान साहब, एक ऐलान आपने किया था 1 अरब अफराद को बेसिक लिटरेसी फराहम करने का, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा कि कहाँ तक पहुँचा? जी, तकरीबन 12 साल पहले हमने एक रेहान स्कूल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके अंदर हमारी ख्वाहिश थी कि कम से कम 1.6 बिलियन लोग जो अंग्रेज़ी ज़बान और लिखने पढ़ने से माजूर हैं, कमज़ोर हैं, उसको उनको सिखाया जाए। तो अब क्योंकि AI आ गई है, ChatGPT आ गया है, तो ये बहुत आसान हो गया है। तो पाकिस्तान के अंदर हमने sarabaji.com बनाया, जिसको आप ChatGPT के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, और बाकी दुनिया के अंदर भी आप सिंपल ChatGPT अगर चला के उसे जो भी सवाल करेंगे वो आपको पढ़ाना शुरू कर देगा। अच्छा। पाकिस्तान के लिए जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक की तालीम जितनी भी तालीम है sarabaji.com पे जाके आप सीखना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने AI के भी खुद भी आपने जिक्र किया कि AI से बहुत सारी चीज़ें आसान भी हो गई हैं, वो मुश्किलात अब नहीं रही जो कि पहले हो जाती थी। अब ऐसे में जाहिर है दुनिया में भी यही बात होती है, ग्लोबली भी यही है कि AI जो है वो अब फ्यूचर को डिफाइन करेगी। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत AI की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? पाकिस्तान के लिए मसनूई ज़हानत की अहमियत मैं समझता हूँ बिजली, पानी, कपड़ा से भी ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि बिजली, पानी, कपड़ा ये सब इंसान की तख्लीकात हैं और लोगों ने बनाई हैं और वो इल्म के बेसिस पे बनती हैं। तो अगर हमारे हर पाकिस्तानी के हाथ में इल्म आ जाए और सवाल करना आ जाए कि ये इसको इस्तेमाल करना आ जाए कि मैं जब चाहूँ उससे पूछ के अपना पानी, रोटी, कपड़ा, मकान का मसला हल कर सकता हूँ, तो ये सारे मसाइल का हल पैदा करके दे सकती है। क्योंकि ये हमें ज़हीन बनाती है, हमें बाशऊर बनाती है, हमें सर्च करने में मदद करती है, हमारे मसाइल को हल करने में मदद करती है। तो मेरे नज़दीक इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। ये मेरे नज़दीक है, मेरा ओपिनियन है, और मैं समझता हूँ कि इसको इमरजेंसी बेसिस पे, जैसे हमने कोरोना के ज़माने में मास्क पहनवाए लोगों को, बिल्कुल उसी तरीक़े से आज के ज़माने में हमें इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हर एक को ChatGPT इस्तेमाल करवाना चाहिए। कर रहे हैं लोग, हर बात का जवाब उससे मांगें और अपने मसाइल का हल उससे तलाश करें। सीखने का तरीका बहुत आसान है कि आपने सवाल बार बार करना है, आदत डालनी है सवाल करने की ChatGPT के साथ, जाके वो आपको जवाब दे सके, जो कि किसी भी इंसान बिल्कुल ये बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। और ज़ाहिर है जब जो ChatGPT का आपने जिक्र भी किया तो इसमें आई मस्ट ऐड हियर कि लोगों में थोड़ी एक्सेप्टेंस भी आ जानी चाहिए कि कोई अगर ईमेल करता है, कोई उसमें कोई आर्टिकल लिखता है, कोई बात करता है, कोई अपने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ChatGPT के थ्रू, तो दूसरी तरफ भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए क्योंकि इट्स फाइन। आर्टिफिशियल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब देखिए उसने एक पूरा सबीन उसमें इन्फॉर्मेशन डाली है ना कि अच्छा ये चीज़ है, इसको प्रोसेस कर दो, इसको ईमेल की फॉर्म में कर दो, इसको आर्टिकल की फॉर्म में कर दो, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में, बुलेट्स की फॉर्म में कर दो। तो आई थिंक थोड़ी सी एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदे की अंग्रेजी बहुत अच्छी हो। हाँ, एट द सेम टाइम वो जो ChatGPT ने लिखा है उसको पढ़ना भी हमें खुद है कि अच्छा उसमें उसने प्रोसेस करके क्या लिखा है। नहीं, दैट्स वैलिड पॉइंट। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ChatGPT आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी बेसिस पर लोगों को समझ
सोचनी चाहिए। अच्छा, चूंकि इससे पहले आपने एआई की बात करने से पहले जो आपने अपने स्कूल की बात की थी और जो कि आप खुद एडवोकेसी कर रहे हैं एआई की, तो आपके उस कैंपस में जो करंगी में है एआई की तालीम किस तरह से दी जाती है? रिहान स्कूल करंगी में सबसे पहले हम लोगों बच्चों को लैपटॉप देते हैं, मोबाइल देते हैं, और ये कोशिश हमारी पूरी है कि बच्चों में आदत डाल दी जाए कि हर बात का जवाब चैट जीपीटी से पूछना है, हर चीज़ में उससे हेल्प लेनी है, जाके हमारे जो जवाब हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, सवाल की क्वालिटी भी अच्छी हो, जवाब की क्वालिटी भी बिल्कुल, ये प्राइमरी चीज़ है। तो इस वक्त हम रिहान स्कूल करंगी कैंपस में करा रहे हैं और रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में भी यही चीज़ हम करा रहे हैं, जो कि दुनिया में कहीं से भी कोई भी ज्वाइन। अच्छा रिहान साहब, आपके मुताबिक स्टूडेंट्स किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? एआई का, जैसे मैंने कहा ना कि हमें एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई है, एक जिन है जो और एक डायनासोर है जो हमारे जेब में है। पहले अगर हम 5% 10% लर्न और ग्रो कर सकते थे, अब हम 100% 1000% ग्रो करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इल्म बढ़ गया है हमारे जेब में, इल्म है, हमारे जो गोल्स हैं हम उनको 10 गुना बड़ा 100 गुना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म अवेलेबल है, इंटेलिजेंस अवेलेबल है कि इसको करना कैसे है, हर वक्त अवेलेबल है। तो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम इसको चलाना सीखें और इसको फ़ायदा उठाना सीखें, क्योंकि हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। हमें 1.5 साल हो गया तकरीबन चैट जीपीटी को आए हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं इसका, बस इसको खेल कूद समझ रहे हैं, जबकि इसमें इंटेलिजेंस मौजूद है, सारी किताबें, सारे वाइट पेपर्स, सारे PhD का डेटा इसके पास मौजूद है, हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्टूडेंट जो है जो चाहे सीख सकता है, जो चाहे इल्म हासिल कर सकता है, और 80% ये एक्यूरेट है। और जैसे जैसे चैट GPT 5 आएगा, 6 आएगा 1-2 साल में, तो उसके बाद और क्वालिटी उसकी इल्म की अच्छी प्योरीफाई। तो रिहान साहब, क्या ये समझा जाए कि मुस्तकबिल में AI डिफाइन कर रहा होगा हर चीज़? मुस्तकबिल में जैसे आज हमारे पास हर आदमी के पास एक मोबाइल फ़ोन है, बिजली है, मोबाइल इंटरनेट चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से ये हर जगह होगा, AI हर जगह हमारे पास अवेलेबल होगा, हमारे का कमरे की बातें सुन सकेगा, हमारे फ़ोन्स की बातें सुन सकेगा। एक डिवाइस आई है जो इस तरह लग जाती है, आपकी हर बात सुन रहा होता है, वो आपको हर बात में मशवरा दे रहा होता है। तो AI हर जगह होगी और हमने उससे भरपूर फ़ायदा उठाना सीखना है। भरपूर फ़ायदा उठाना नहीं सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, होने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं उठाएगा। एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क में सूरज है, हर जगह है, बहुत सारे ममालिक में सूरज नहीं होता है, तो हमारे मुल्क वालों ने उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, यानी भरपूर एनर्जी मौजूद होने के बावजूद हम सारी वो चीज़ें नहीं कर रहे जो सूरज की वजह से हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें डिहाइड्रेटर्स, हमें वाले बिजनेसेस में आना चाहिए, हमें सूरज से बनने वाली चीज़ें बनानी चाहिए, हमें सूरज के सोलर प्लांट लगाने चाहिए, हमें सोलर की एनर्जी में अपने आप को यू नो PhD करना चाहिए और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। इसी तरह से AI का अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो होने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने फ़ायदा तो उठाया नहीं। अक़ल हमारे पास है, दिमाग हमारे पास है, इसका बेहतरीन फ़ायदा अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर ये कुफ़राने नेमत में आए। तो बेसिकली जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत है, ताकि कारोबारी में फायदा भी हो, ताकि बेरोजगारी में भी कमी हो। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यंगस्टर्स की स्पेशली जो हम बात करें, वो जो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं आ रही, तो वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। एब्सोल्युटली रिहान साहब, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस।